और जिया यहाँ बैठ गई है, मंदिर ठीक कुछ कदम पर है, लेकिन जिया को हिम्मत नहीं हो रही वहाँ तक पहुँचने की, चक्कर आ रहे हैं, यहाँ फिसलन है, इसी पहाड़ को तलाश दिया लगता है। जी यार, यहाँ वहाँ तक पहुँच गई है और मैं यहाँ ब्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, तो जल्दी से मैं भी चलता हूँ उधर, ऐसा है नज़ारा कुछ। तो अब चलते हैं, वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं पोज, जबरदस्त पोज सो, धन्यवाद। आज हम रास्ते में जिया को डांट रहे थे कि टोपी क्यों नहीं ली, ठंडा लगेगा यहाँ पर, अब तो लग रहा है कि अच्छा की जो टोपी नहीं ली, लग रहा है ये जैकेट भी उतारना पड़ेगा। ये हाल है इधर, यहाँ उतना बंदर भी परेशान नहीं करता, एक लंगूर दिखा बस। और यहाँ पहाड़ पर देखिए लिखा हुआ है राहुल आशीष फरहान। यहाँ पर मेरे अलावा भी एक ब्लॉगर दिख रहा है, बाकी इधर हम चल रहे हैं। यहाँ तक तो नॉर्मल है, आगे थोड़ी सी चढ़ाई है, हम थके नहीं है, ब्लॉग बनाते बनाते आ रहे हैं। आगे है थोड़ा चढ़ाई, पानी पीना है ले लेना, पानी पिएगी लो, पानी भी गर्म होगा, पानी हाँ गर्म तो है, ठंडा पानी पिएगी और सर्दी हो जाएगा। ऊपर से इनर भी पहन लेती है थर्मोकोट, इससे और गर्मी लग रहा है, धूप है सबसे खतरनाक चीज, उम्मीद था कि ठंड रहेगा, यहाँ धूप है, धूप भी ज्यादा हो गया है, गर्मी में चलने चलने ठंडा कई लोग तो लेट कर दिए, आते 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 कभी से ये तो पैर दुखने लगता है, उधर हालत खराब है। चलो नहीं होगा, पानी पी लो, बहुत ज्यादा अच्छा, पहले सीढ़ी भी नहीं था ना। अच्छा आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हुए हैं कटिहार से, हाँ कटिहार से यहाँ आए हैं, स्पेशली गाड़ी से, बाइक कार, बाइक से आए थे, यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं हम लोग, तो हम लोग डालिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप यूट्यूब पर हैं, आगे चलिए ना, तो हम लोगों को जो बोलना है बोलिएगा जी, 60,000 लोग आप लोग को देखेंगे, चलो यूट्यूब पे फोटो खींचेंगे और इंडिया में देखेगा हम लोग, 265 यहाँ तक, अरे 900 हो 1,000 हो तो भी पहुँचेंगे, टोटल कितना सीढ़ी है? पता नहीं। अच्छा काउंट किया आपने? ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, अच्छा देखता हूँ अच्छा, भोजपुरी हीरो में काम किया फिल्म में, अच्छा चलो चलो फोटो लेंगे, गोलगप्पा नहीं खाने दिया, गोलगप्पा कुछ नहीं, नीचे आ जाएंगे जब चढ़ गई, तो नीचे आने में क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर छांव है, तो छांव में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, उधर धूप था, इधर छांव, इसका कलर है, तीन ग्लास नींबू पानी दीजिए, बर्फ नहीं दीजिएगा भैया उसमें, ठंडा पानी उतना नहीं, नॉर्मल रहे तो, कैसे नींबू पानी भैया? 10 रुपया ग्लास, अच्छा खट्टा मीठा है, ये है खट्टा मीठा वाला नींबू पानी, पी के देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा है, खट्टा मीठा है ना, क्या खट्टा है, बस खट्टा मीठा अच्छा लग रहा है, खट्टा मीठा ही दे दीजिए, ये हमने ले लिया है नींबू पानी, मजा आ गया, और पीना है तो ले लो एक ग्लास, दे दीजिए दोनों के, वैसे बोलता है प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवाना दे, नहीं नहीं नहीं, हम एक ही ग्लास में दोनों कर लेंगे, पिएगी नहीं छोड़ दीजिए। आगे ऊपर से आप लोग, कैसा लगा चढ़ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, चढ़ते समय बस परेशानी है, उतरते समय मजा है।
चलिए चलिए अब नहीं रुकना है, नहीं रुकना है, पहुँचना है, लेट क्यों करे। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं आसनसोल से। यहाँ आए हैं? अच्छा वाह, कैसा लग रहा है ऊपर पहुँच कर फाइनली? ऊपर मैं आता हूँ, बहुत फाइन लग रहा है। सुंदर, हाँ भगवान का स्थान है। हाँ जी, बढ़िया दिखलाई। बिल्कुल, तो चलते हैं ऊपर अब। हाँ चल जाइए, जाएंगे हम लोग भी जाएंगे, थक गए हैं। अच्छा जी, थोड़ा रेस्ट ले लें। ठीक है ठीक है, आप लोग लीजिए। अच्छा, हमारा यूट्यूब चैनल नोट कर लीजिएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ये हमारा चैनल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देते हैं ताकि वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। उनको जब बोला कि हम यूट्यूब पर हैं, वीडियो डालते हैं, तो वो कहे कि हमारा भी कुछ लीजिए आप पार्ट। हमने कहा क्यों नहीं जी अंकल, बिल्कुल लेंगे, आइए आप वीडियो में। तो हमने उनको भी ले लिया है और चलते हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, देख रहे हैं यहाँ ऊपर मंदिर, नीचे इधर पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब ऊपर जी, और यह काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। हम सोच रहे थे चढ़ाई बस यहीं तक है, लेकिन चढ़ाई और आगे है। बात है क्या, एक साल घर में रह गए? बिल्कुल, एक साल कहीं टूर किए नहीं, तो इसलिए फील हो रहा है। लगता है इधर से पहले कोई रास्ता होगा, उसको हटा दिया गया है। ये पहले सीढ़ी नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे, ऐसे चढ़ के जाते थे लोग। तो बैठो, तो जिया की हालत खराब है। ओ हाँ, तो यह बैठ गई, यह बैठ गए तो हम भी बैठ गए। और रिया कह रही है जा रही है, चलते रहो रिया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। DSLR रहता तो और भी क्लियर दिखता आपको। अब हम DSLR खरीद के रहेंगे। बिल्कुल मिस कर रहे हैं, अब घूमने जाना है तो DSLR लेना है। ये देखिए कुछ ऐसा है नज़ारा इधर का। जिया की हालत खराब है, रिया एकदम चढ़ गई बहुत आगे, जबकि वो कभी भी किसी पहाड़ी क्षेत्र पर गई नहीं है। शायद बीच रास्ते में एक मंदिर यह भी दिख रहा है, गाय सब भी रखे हुए हैं यहाँ पर, पहाड़ पर चला करके ले आए गाय को। जबरदस्त कैसा नज़ारा है देख सकते हैं। बाकी जब ऊपर पहुँचेंगे हम लोग, जो कि अब लग रहा है थोड़ी ही दूर है, वहाँ तक है वो जो दिख रहा है पत्थर, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और जिया वहाँ बैठी हुई है, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जिया को, चलो ते में। यहाँ नरसिंह का मूर्ति है, नरसिंह भगवान की, और जिया उन्हीं के बगल में शरण ले ली है। चले बिल्कुल पहुंचना है ही। रिया का कॉल आया है, वो पहुंच भी चुकी है। तो रिया कितनी तेज है आप देख सकते हैं। बेकार इतना भारी भरकम जैकेट और शर्ट पहन लिए, ऊपर से इनर भी लगा लिए। जिया को जहां भी जगह मिलता है बैठने का, एक बार जरूर बैठ जाती है। जिया हर बार कहती है कि अब दोबारा नहीं आएंगे हम। जब मनकी टेम्पल पर चढ़ी, अब दोबारा नहीं आएंगे हम पहाड़ पे। जब जाखू मंदिर गई शिमला में, दोबारा नहीं आएंगे। फिर आई है तीसरी बार, कह रही अब दोबारा नहीं आऊँगी मैं। आगे कहाँ ऊँचाई है, कुछ नहीं है, सेकंड में चढ़ जाएगी तुम। बिल्कुल, और हम लोग मंदिर पहुँच रहे हैं, पीछे देख सकते हैं वो है मंदिर। तो हम लोग लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं। यहाँ फिसलन है, इसी पहाड़ को तराश दिया है लगता है। मम्मी जिया को कह रहे थे केबल कार ले लेते हैं। नहीं नहीं, केबल कार में मज़ा कैसे आएगा, पैदल चलने में जो मज़ा है वो केबल कार में कहाँ आएगा। चले उठो, सुनो उधर भी।
जिया उसी पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि वीडियो ऑन हो गया है तुरंत आगे आ जाती है। हाँ नहीं देखी नहीं। कुछ ऐसा नजारा है यहाँ से, और जस्ट वहाँ पर मंदिर है, जस्ट वहाँ पर मंदिर है, नहीं फिसलेगा। जिया यहाँ बैठ गई है, मंदिर ठीक कुछ कदम पर है, लेकिन जिया को हिम्मत नहीं हो रही वहाँ तक पहुँचने की, चक्कर आ रहे हैं, पी लेना पानी यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और आगे वहाँ नींबू पानी दिख रहा है, तो वहाँ नींबू पानी पियेंगे हम लोग। नींबू पानी पी रहे हैं। रिया देखिए कब का मंदिर पहुँच चुकी है। कितना देर में रिया? 15 मिनट पहले पहुँच के तैयार है। लोड़िया ये हमारा नींबू पानी, यह तीसरा गिलास है हमारा, सर जल चढ़ाने जाता हूँ। पानी क्या करते हैं भैया? अच्छा नीचे से लाते होंगे भैया? नहीं बहुत मेहनत। ओहो क्या नजारा है यहाँ से। पहुंच गए मंदिर, यहाँ से देखिए क्या मस्त नजारा लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है जूता चप्पल मोजा एवं चमड़े की कोई भी वस्तु लेकर ना जाए। तो हम सभी अपना जूता और मोजा खोल रहे हैं, जूता खोल रही है, तब तक आपको नजारा दिखाते हैं इधर का, कितना अच्छा लग रहा है। जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखिए अंधेरा है। हमारी पूजा अर्चना हो गई है यहाँ पर, उधर भी मंदिर है। अच्छा उधर भी मंदिर है, तो वहाँ भी चलकर पूजा करते हैं फिर। हम आ गए हैं मंदिर के दूसरे साइड, और यहाँ भी एक मंदिर दिख रहा है। इधर लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन और होना है, मार्बल सब दिख रहा है, जैसे इस तरह का फर्श लगता है, और भी कहीं बनना होगा। तो पकड़ते हैं, जाओ जाओ जाओ। ये लोग पूजा करके आ गए ही है, और अब हम चलते हैं पूजा करने। की पूजा अर्चना हो गई है, पूजा अर्चना करने के बाद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से आपको पीछे का नजारा दिखाते हैं, देख रहे हैं बिल्कुल खाई। यहाँ पर हमने खूब फोटो खिंचवाया है, जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी आप लोग जरूर देखिएगा। बिल्कुल जी, तो आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, सारी फोटो वहाँ पर हम डाल देंगे। और हमारी जो फोटोग्राफर थी वो है रिया, रिया हाँ, जो कि बहुत 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 अच्छा फोटो लेती है। पोज भूल गए कौन कौन सा पोज देना है, तो जितना समझ में आया, जो समझ में आया सबको, सब में फोटो खींचे हैं हम लोग। उधर से लेते ना तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उधर से लेंगे तो ना, तो जिया करिए अगर उधर से लेते तो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब उधर खाई है, खाई के एकदम किनारे में चले जाए, वहां से फोटो लेती तो बड़ा अच्छा रहता। यहाँ पर दिख रहा है केबल कार, लेकिन केबल कार की सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है। देखते हैं केबल कार की फैसिलिटी कब तक शुरू होती है यहाँ पर, ताकि जो भी लोग यहाँ पर चलकर नहीं आ सकते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी वहाँ आपको लेक दिख रहा होगा, देख रहे हैं वो लेक जहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोग थे, नीचे थे, और उसी लेक में बोटिंग की भी फैसिलिटी है। तो हम लोग की अगर हालत रही बोटिंग करने लायक तो हम लोग बोटिंग भी करेंगे। चलो तो जी अब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लौटते वक्त भी नींबू पानी पी रहे हैं। जिया को तो पीने का मन है नहीं, ये कह रही है नॉर्मल पानी पीना है, लेकिन हमें मन है कि नींबू पानी पी लें एक बार, बड़ा ही मज़ा आ रहा है पीने में। ऊपर से इसमें यह जलजीरा डालते हैं। ज्यादा टाइम इनकी ड्यूटी थी कि ब्लॉगिंग करना, और अभी मेरी ड्यूटी है ब्लॉगिंग करना।
अभी ही डिसाइड हुआ है ये, और ये अभी डिसाइड हुआ। ये तो बोल दिया था कि आप कोई ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, चुपचाप घर निकलेंगे अभी यहाँ से। हाँ। क्योंकि अभी हमें अच्छा फील हो रहा है, अभी उतना हमको लग नहीं रहा है थकावट जैसा। आते समय हमको थकावट फील हो रहा है। जी अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी यह वीडियो तो एक शेयर बिल्कुल कर दे, स्पेशली जो मंदार पर्वत की तरफ आना चाहते हैं उनको एक झलक मिल जाएगा इस ब्लॉग को देखकर। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।